नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा सुखनगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र भदौलिया। आज की खबर एक कड़वी चीज से शुरुआत करते हैं। दरअसल अतिक्रमण का जो मुद्दा होता है वो हमेशा से विवादित इशू रहा है और ये विवादित इशू भी इस वजह से रहता है कि गिने चुने लोग होते हैं जिनके हित प्रभावित होते हैं और उसके कारण शहर के अधिसंख्य लोगों को परेशान होना पड़ता है। अतिक्रमण को लेकर जितने मुहिम पहले शहर ने देखी हैं उनमें से एक दो मुहिमों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब की सब मुहिम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाई हैं। ऐसे में इस बात का चर्चा करना या इस बात को लेकर बात करना लाजमी होता है कि इस बार की अतिक्रमण मुहिम जो शुरू की गई है क्या वो अपने गंतव्य मंजिल तक पहुंच पाएगी। इसी मुद्दे को लेकर कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखना चाहते हैं जिनको जानना जरूरी है। साथ ही अतिक्रमण से प्रभावित होने वाले लोग भी इस चीज को लेकर समझे और वो लोग जिनके लिए ये ना उगलने वाली चीज है और ना निगलने वाली उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत राजनेताओं से करते हैं। दरअसल अतिक्रमण का मुद्दा राजनेताओं के लिए गर्म तवे जैसा होता है कि जिस पर न पकड़कर उतारा जा सकता है न रोटियां सेकी जा सकती हैं। वो चाहकर भी अधिकारियों का साथ नहीं दे सकते और खूब प्रयास करने के बाद भी जनता को मना नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा दुराय की स्थिति पर होते हैं और संकट की स्थिति भी इस समय राजनेताओं को होती है। अतिक्रमण जैसे गंभीर या संवेदनशील मुद्दे पर अमूमन राजनेता बचते नजर रहते हैं और अभी भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। हालांकि बीते वर्षों की तुलना में इस बार थोड़ा सा सहयोग अधिकारियों को इनका मिल रहा है। अब अंदर की बात करते हैं या इस मुहिम की शुरुआत होने के पहले की चीजों पर अगर बात करें तो अशोकनगर के युवा SDM अखिलेश जैन ने इसका जिम्मा अपने सर लिया है। उन्होंने तय किया है कि यातायात समिति की बैठक में जो निर्णय हुए थे या कलेक्टर की अध्यक्षता में जो चीजें तय की गई थी उनको अमलीजामा पहनाया जाए। दरअसल होता यह है कि किसी भी तरह की मीटिंग या कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें अशोकनगर शहर के यातायात को लेकर सबसे बात ज़्यादा बात होती है और ये बात इसलिए होती है कि ये पूरी की पूरी व्यवस्था बहुत बिगड़ेल हालात में है और इसको लेकर अब जो है बड़े प्रशासनिक सर्जरी की जरूरत समझ में आ रही थी। ऐसे में SDM ने बीते 2-3 दिन से अशोकनगर में अतिक्रमण मुहिम शुरू कर रखी है। इसमें नगर पालिका के स्टाफ का उनको पूरा सहयोग मिल रहा है। आज सुबह सुबह उन्होंने जो है पुरानी बाजार में की थी मगर कल का दिन अशोकनगर शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल कल गांधी पार्क से लेकर स्टेशन रोड तक के मेन जो बाजार है या मुख्य मार्ग माना जाता है इस पर अतिक्रमण हटना है। यहाँ पर SDM बताती हैं कि 3 तरह के लोगों को उन्होंने तय किया है जिनके द्वारा इस पूरी रोड पर यातायात अव्यवस्थित होता है या जिसके कारण परेशानी होती है। पहले वो लोग हैं जो मनियारी की दुकान लगाए बीच सड़क पर बैठे हैं। दूसरे नंबर के वो लोग हैं जो हाथ ठेले में अपनी दुकानें लगा के बैठे हैं और तीसरा सबसे ज़्यादा नुकसान इस व्यवस्था को करते हैं वो दुकानदार जो सड़क पर अपना सामान रखे हैं। तीनों ही लोगों को मुनादी पीट कर सूचना दे दी गई है कि वो अपना सामान हटा लें और कल तक अगर वो सामान नहीं हटाते तो प्रशासनिक अमला इसको उठा ले जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर SDM आज पत्रकारों से भी रूबरू हुए और उन्होंने वो बताया कि न केवल इनको हटाया जाएगा बल्कि इनके विस्थापन की योजना भी बनाई जा रही है और कई स्थान भी चयनित किए गए हैं जिनमें इन लोगों को विस्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। गोपालगंज के पास का जो खुला मैदान है इसके अलावा विमानों के चबूतरे और भी 1-2 स्थानों को तय किया गया है जहां इन लोगों को विस्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। बहरहाल चलते चलते अतिक्रमण को लेकर एक बात जरूर है कि कल का मामला बहुत संवेदनशील हो सकता है क्योंकि यहां आने के बाद अतिक्रमण हमेशा से विवादित होता रहा है। ऐसे में उन लोगों की सबसे ज़्यादा जवाबदारी है जो अतिक्रमण कर रहे हैं या बस ऐसे लोग जो अतिक्रमणकारियों को सहयोग करते हैं। हम लोग फिर आपसे अपील करते हैं कि शहर को सुगम और सुंदर बनाने में सभी का सहयोग चाहिए और जिन लोगों ने शहर में अतिक्रमण कर रखा है या सड़कों पर सामान रख रखा है कृपया वो खुद हटाएँ और इस असुविधा से बचें क्योंकि ये शहर सभी का है। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने शहर की कुछ विशेष खबरों के साथ। आतंकवाद विरोधी दिवस पर कलेक्टर ने दिलाई अधिकारियों को शपथ। आतंकवाद और हिंसा का डटकर सामना कर
करने के लिए सफल। आज शुक्रवार को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभा कक्ष में आतंकवाद विरोधी दिवस पर कलेक्टर श्री बी.एस. जामोद ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाई। सभी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा शपथ ली गई कि हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते हैं। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री के श्रीवास्तव, अपर कलेक्टर श्री ए के चांदिल, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री विशाल सिंह सहित जिला अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। दीनदयाल रसोई योजना में अब गरीब 5 रुपए में भोजन टेबल कुर्सी पर बैठकर करेंगे। आज नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुशीला साहू एवं विधायक प्रतिनिधि श्री पहलवान साहू ने सुबह 9 बजे दीनदयाल रसोई योजना का आकस्मिक दौरा किया। वहां 6 से 7 के करीब महिला पुरुष खाना बनाते हुए मिले। सारा काम बड़ी स्वच्छता के साथ किया जा रहा था। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष ने पूरी खाद्य सामग्री का भी निरीक्षण किया। कहीं भी किसी तरह की कमी दृष्टिगोचर नहीं हुई। कुछ जरूरी निर्देश भी उनके द्वारा खाना बनाने वाले श्रमिकों को दिए गए। राजस्व एवं नगर पालिका टीम ने पुराने बस स्टैंड से हटाया अतिक्रमण, दुकानों के आगे से हटाए 3 सेट एवं सब्जी मंडी को किया व्यवस्थित। शहर में नगर पालिका एवं राजस्व विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से सफाई एवं अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जा रही है। SDM अखिलेश जैन के नेतृत्व में नगर पालिका अमले ने आज पुराना बस स्टैंड के आसपास साफ सफाई की एवं अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका एवं राजस्व विभाग संयुक्त रूप से ये अभियान चला रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन 2 वार्डों की साफ सफाई की जाती है। शुक्रवार को स्टेडियम के बाहर बेतरतीब सब्जी मंडी को व्यवस्थित करने का काम इस अमले ने अपने हाथों में लिया और तितर बितर हालात में बैठे सब्जी वालों को व्यवस्थित किया। इसके बाद विदिशा रोड एवं नए बस स्टैंड के आसपास लोगों के द्वारा किए गए अतिक्रमणों को भी तोड़ा गया। इस दौरान नालियों के ऊपर बने अतिक्रमण को हटाया गया एवं दुकानों के ऊपर लगाए गए 3 सेटों को भी हटाया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोगों ने प्रशासन की इस मुहिम का विरोध भी किया। लोगों ने आरोप लगाया कि सरकारी अमला भेदभावपूर्ण तरीके से यह कार्रवाई कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना था कि कुछ लोगों के अतिक्रमण प्रशासन नहीं तोड़ रहा। इसी के विरोध में कुछ देर के लिए लोगों ने सड़क पर बैठकर रोड अवरुद्ध करने का प्रयास किया। कुछ देर बाद चली नारेबाजी के बाद अतिक्रमण मुहिम को आज के लिए यही खत्म कर दिया गया। ऊपर ही सिर्फ ये कार्रवाई की गई, क्या कारण है सर? अक्सर देखा जाता है कि कार्रवाई कुछ विशेष लोगों को लेकर टारगेट करती है। 3 दिन से शहर में स्वच्छता और अतिक्रमण को लेकर के वार्ड वाइज वार्ड जाकर के लोगों को समझाइश दी जा रही है और युद्ध स्तर पर सफाई अभियान भी किया जा रहा है। जहाँ पर आज सब्जी मंडी और फल मंडी के आसपास से अतिक्रमण हटवाया, वहाँ 3 दिन पहले मैंने खुद ने जा करके लोगों को बताया था, परसों भी बताया, कल भी बताया। उन लोगों ने निरंतर समय मांगा था, तब जा करके आज हम लोगों ने उनका 3 सेट का जो अतिक्रमण था जिसकी वजह से ट्रैफिक में आने जाने में असुविधा होती थी वो हटाया है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है, ना ही आगे किया जाएगा। निरंतर समान रूप से सभी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। देखा जा रहा है ट्रैफिक मुख्य सड़कों पर ज़्यादा रहता है जहाँ की अतिक्रमण बरकरार है। अंदर बस्तियों में सड़कों में सर ट्रैफिक ना तो रहता है ना कुछ, वहाँ हम लोगों का कहना है कि मुख्य सड़कों को ना छोड़ के हम लोगों को टारगेट करके अतिक्रमण किया गया है। नहीं, सब्जी मंडी में भी काफ़ी लोग आते जाते हैं, फल मंडी में भी अधिकांश लोग आते जाते हैं। आपने देखा होगा कि सब्जी मंडी में भी हमने सभी दुकानदारों को व्यवस्थित किया, जो वो नीचे बैठे रहते थे वो सब साइड पर बैठ रहे हैं। तो आप लोग खुद जा करके देख सकते हैं कि सब्जी मंडी में कितनी जगह हो गई है और आप लोगों को आने जाने की आसानी हो गई है। अब आगे भी हमारे जो अन्य हैं गांधी पार्क, इन सब जगहों पर भी, स्टेशन रोड पर भी हम मुनादी करवा चुके हैं और उन सबको भी सूचना कर रहे हैं कि वो सब अपना अपना सामान दुकान के बाहर ना रखें, उन पर भी कार्रवाई की जाए। सर कब तक चलेगी ये मुहिम? हमारे 22 वार्डों के लिए हमने 11 दिन रखे हुए हैं, एक दिन में 2-2 वार्ड, इस तरह से 11 दिन का हमारा है। सर सिर्फ अस्थायी अतिक्रमण हटेगा या फिर स्थायी भी हटेगा? फिलहाल अस्थायी अतिक्रमण हटाया जाएगा क्योंकि उसी से पार्किंग और ट्रैफिक में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। अपील करते हैं कि आप सब लोग इस मुहिम में सहयोग दें, ये आप ही लोगों के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं।
सर दोनों ब्रिजों के नीचे भी अतिक्रमण। जयपुर राजस्थान में 4 से 6 मई 2017 तक राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें अशोकनगर के ज्योतिषी हेमंत श्रीवास्तव ने भी भाग लिया। यहां हेमंत श्रीवास्तव को मंच साझा करने का अवसर मिला, साथ ही उन्होंने हाथ के अंगूठे की रेखाओं से भविष्य कथन विषय पर व्याख्यान भी प्रस्तुत किया। हेमंत श्रीवास्तव को दरभंगा यूनिवर्सिटी के कुलपति देवनारायण झा एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के कुलपति रामचंद्र झा द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। रिटायर्ड कर्मचारी एवं स्काउट गाइड के छात्र स्टेशन पर गर्मियों में एक माह तक पिलाएंगे निःशुल्क पानी। गर्मियों में पानी की कमी को देखते हुए कर रहे हैं जल सेवा। सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ और स्काउट गाइड के छात्र करीबन एक माह से स्टेशन पर निस्वार्थ भाव से जल सेवा व लोगों की प्यास बुझा रहे हैं। यह लोग प्रत्येक वर्ष गर्मी का मौसम आते ही स्टेशन पर जगह जगह पानी की टंकियां रखकर यात्रियों को जल पिलाकर उनकी प्यास को बुझाते हैं, जिससे यात्रियों को पानी के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। यहाँ रेलवे स्टेशन पर सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ ने जगह जगह निःशुल्क प्याऊ बना दिए हैं, जिससे कोई भी यात्री प्यासा न रहे। कमिश्नर एवं आईजी ने जिला पंचायत में ली अधिकारियों की बैठक। पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों को प्रतिमा बैठक करने के दिए निर्देश। जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक जिला स्तर पर प्रतिमा हो यह सुनिश्चित किया जाए, इस आशय के निर्देश कमिश्नर ग्वालियर संभाग श्री एस एन रूपला ने गुरुवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों की संयुक्त बैठक के दौरान दिए। बैठक में ग्वालियर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक श्री अनिल कुमार, कलेक्टर श्री बी एस जामुत, पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह गौर, अपर कलेक्टर श्री ए के चांदिल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शानू आफ्ताब अली सहित जिले के समस्त अनुविभागीय दंड अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस एवं तहसीलदार उपस्थित थे। कमिश्नर श्री रूपला ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु आपसी समन्वय के साथ जिले के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी कार्य करें, साथ ही कानून व्यवस्था के कार्य को प्राथमिकता से लेकर संयुक्त रूप से भ्रमण करें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों में आपसी समन्वय, सूचना का आदान प्रदान तथा बेहतर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे बेहतर परिणाम सामने आ सके। उन्होंने निर्देशित किया कि कानून व्यवस्था से जुड़े हुए किसी भी मामले की सूचना प्राप्त होते ही तो तुरंत कार्रवाई की जाए, साथ ही मामले को वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में भी लाएं। पुलिस महानिरीक्षक श्री अनिल कुमार ने कहा कि जिले में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने आपसी तालमेल के साथ कार्य करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में शासन स्तर से जिले को प्रदत्त लक्ष्य पूर्ति में अशोकनगर जिला निरंतर प्रगति कर रहा है। इस वर्ष अशोकनगर जिला लक्ष्य पूर्ति में शिखर पर हो, ऐसे प्रयास किए जाएं। इस आशय के निर्देश कमिश्नर ग्वालियर संभाग श्री एस एन रूपला ने गुरुवार को जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित जिलाधिकारियों की बैठक के दौरान दिए। कमिश्नर श्री रूपला ने कहा कि अशोकनगर जिला कलेक्टर के कुशल मार्गदर्शन में जिलाधिकारियों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रिम पंक्ति पर दौड़ रहा है, आगे चलकर यह ऊंची उड़ान भरेगा। उन्होंने निर्देशित किया कि शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिले यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने डायवर्सन की वसूली कराए जाने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया कि आगामी 30 जून 2017 तक जिले को खुले में शौच मुक्त कराया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के अंतर्गत निर्मित आवासों की समीक्षा करते हुए कराए गए कार्यों की सराहना की। जिला स्तर पर सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण कर लिया जाए, ये प्रकरण निराकरण हेतु उच्च अधिकारियों के पास ना पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाए।
कमिश्नर श्री रूपला ने निर्देशित किया कि जन सुनवाई सीएम हेल्पलाइन लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आने वाले आवेदन पत्रों का निराकरण गंभीरता से करें। बैठक में कमिश्नर श्री रूपला द्वारा ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों की स्थिति, गेहूं उपार्जन, प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के अंतर्गत किए गए बीमा, मृदा परीक्षण, खाद्य बीज का अग्रिम भंडारण, नामांतरण, बंटवारा, राजस्व वसूली, आधार पंजीयन, आवास मिशन, मनरेगा, पेंशन प्रकरण, खाद्य वितरण, शिक्षा, ट्रांसफार्मर के बदले जाने की प्रगति, नगरीय कल्याण तथा किसान क्रेडिट के संबंध में विस्तार से समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। जागरूकता जगाने के लिए किया कविता पाठ। बुंदेली गजल के जनक महेश कटारे ने इप्टा के शिविर में बच्चों को राजनीतिक और सामाजिक चेतना जागृत करने के लिए संस्कृति गार्डन में अपनी कविताओं का पाठ किया। आपका काम क्या है तो निकला रिश्वत आदि पंक्तियों से बुंदेली गजल के जनक महेश कटारे सुगम ने शुक्रवार को बच्चों को अपनी कविताएं सुनाई। उन्होंने अपनी गजलों और पाठ से बच्चों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना जगाने का प्रयास किया। उल्लेखनीय है कि भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा अशोकनगर द्वारा संस्कृति गार्डन में 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए बाल एवं किशोर नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन अलग अलग गतिविधियां भी कराई जा रही हैं। इसी कड़ी में शनिवार को बीना से बुंदेली गजलकार महेश कटारे सुगम को बुलाया गया था। उन्होंने न सिर्फ अपनी ठेठ बुंदेली गजलों से बच्चों को गुदगुदाया बल्कि राजनीतिक व सामाजिक स्थितियों पर कटाक्ष भी किए। वहीं हिंदी की गजल घूस के सामने होशियार की ऐसी तैसी, आपका काम क्या है तो निकला रिश्वत आदि गजलों से प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को भी उजागर किया।